ओडिशा एफ हमको पता है कि ये साल बहुत ही अच्छा किया है आई को छोड़ के उन्होंने एफ कप में भी अपना नाम दर्ज कर लिया है सुपर कप में मतलब उन्हों कन्विंसिंगली उन्होंने बैंगलोर एफ को हरा के जीता है कोई दिक्कत नहीं है पर प्रॉब्लम मुझे अभी भी है कि उड़ीसा एफ जो फ्रेंचाइजी फ़ुटबॉल है उसको जीतने से या उसकी अच्छा होने से हमारा फुटबॉल में कुछ डिफ्रेंस नहीं हो रहा है अभी भी आई थिंक सड़ंगी जो है वही हैं एक ही प्लेयर्स जो कि बाईस साल के हैं वहाँ पे खेल रहे हैं अदरवाइज़ कोई डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से थोड़ा बहुत यू थो नो डेवलपमेंट यूथ लीग हो रही है जो कि बड़े बड़े सिटीज़ में होते हैं जैसे कटक हो भुवनेश्वर हो राहुल किला हो ये जगह पे हो रहा है इंटीरियर सिटीज़ में या विजेस में नहीं हो रहा है और हमको पता है कि टैलेंट जो है आपको विलेजेस में मिलेंगे इंटीरियर में मिलेंगे राइट आपको टैलेंट चाहिए आपको प्योर रॉ टैलेंट चाहिए तो वहाँ मिलेगा अब वहाँ जाएंगे कैसे अभी सबसे बढ़िया यू नो एक एग्जाम्पल है जो कि सेवन्थ मे को हुआ है न प्रभाकरण एंड नो चौबे जी जो हैं बेंगल फुटबॉल के साथ बैठ के उन्होंने इस मुद्दे पे डिस्कस किया बेंगल के यू नो फुटबॉल के लिए सेम हम उड़ीसा के लिए करेंगे बट तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या डिस्कशन हुआ डिस्कशन ये हुआ कि अंडर सेवेंटीन अंडर एटीन अंडर नाइनटीन अंडर ट्वेंटी अंडर ट्वेंटी थ्री ये जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप में कोई भी फुटबॉलर या कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर का डेवलपमेंट होता है अं� उसी टाइम पे वो डेवलप होता है और आगे जाके एक यू नो मेच्योर प्लेयर है कंप्लीट प्लेयर बनता है आफ्टर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव आप देखोगे नहीं वो बंदा और कुछ डेवलप ज़्यादा करेगा वो जो उसका ट्वेंटी थ्री तक उसका डेवलपमेंट हो गया उसके बाद से वो उस लेवल को मेच्योरिटी और शार्पनेस निकालता है बट डिसाइड तो हो जाता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के बंदा कैसा है टैलेंट क्या है राइट सेम वे उड़ीसा में आप देखोगे जब सहानी कप होता है आप जित कितना देखोगे अंडर ट्वेंटी थ्री के प्लेयर खेल रहे हैं आप ज़्यादा एक टीम में अब स्कोर्ड में स्कोर्ड में जो है प्लेइंग एक्साइज में बोल सकता हूँ दो या तीन बाकी सीनियस प्लेयर्स खेलेंगे ऑब्वियसली तो अब तीन स्पॉट के लिए अंडर ट्वेंटी वन के प्लेयर को कितना गेम टाइम मिलेगा मुझे बताओ पूरी गेम टाइम मिल सकती है और यही होती है दिक्कत है कि भाई गेम टाइम जो है मिलती नहीं है ये एज टाइम पे और लोकल टीम खेलना पड़ता है या लोकल मैचेस खेलना पड़ता है और उसमें प्रॉपर सिस्टम नहीं रहता है इंजरी की प्रॉब्लम होती है प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता है और वो अलग टाइप की गेम हो जाती है जहाँ पर आपकी गेम बिगड़ जाता है गेम सुधारना है तो प्रॉपर लीग में खेलना है और प्रॉपर आपका डेवलपमेंट होना चाहिए और आप यूरोप में देखोगे अंडर सिक्सटीन और ये डेवलपमेंट की ड्यू टीम रहती है उनकी अंडर एट्टीन की, की रहती है अंडर ट्वेंटी की रहती है और रियल मंडी का देखो आश्रण का देखो बनो मैनचेस्टर नाइन का देखो चेल्सी का देखो आश्रम का देखो कितने प्लेयर्स वो यूथ लीग से निकलते हैं और आगे जाके टॉप प्लेयर बनते हैं और फेबरिग इज़ वन ऑफ देम राइसफर्ड इज वन ऑफ देम इज अ लॉट ऑफ राइट इवन एम्बापे एम्बे मनक को सो ये हमारा सबसे बड़ा मेन क्राइटेरिया होना चाहिए डेवलपमेंट उनके लिए गेम टाइम चाहिए अब आप गेम टाइम कहां से देंगे उसमें एक लीग बनाना पड़ेगा और बेंगल फुटबॉल ने डिस्कस किया कि अंडर 23 इंटर स्टेट सॉरी इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अभी स्टार्ट कर रहे हैं अब उससे क्या होगा अंडर 23 थ्री के जितने प्लेयर हैं हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब उसके सिलेक्शन होने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कह लो बालासोर का बात कर रहे हैं तो बालासोर के अंदर भी वो अंडर ट्वेंटी थ्री के लिए पंद्रह या बीस लो प्लेयर के लिए भी उनको भी एक नो अंदर ही अंदर एक टूर्नामेंट रखना पड़ेगा सो देट यू नो बालासोर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही पंद्रह बीस प्लेयर मिलेंगे तो उससे क्या होगा गाँव गाँव तक अभी बालासोर को भी जाना पड़ेगा ना भाई गाँव गाँव पर भाई देखना पड़ेगा कहाँ पर है टैलेंट तो अभी ये डेवलपमेंट जो है स्लोली बढ़ेगी तो बंगाल की एक अच्छी स्टेप है अंडर ट्वेंटी थ्री यू नो इंटर स्टेट लीग करना और मैं चाहूँगा कि उड़ीसा ये नो uh, चीज़ you know, को यू uh, नो you know, देखे और सीखे और आपने यहाँ पे भी इंस्ट्रक करें सहानी कप की यू नो अंडर ट्वेंटी थ्री कर सकते हैं और उससे हम लोग ना बेटर खेल सकते हैं और टैलेंट को भी उभार के ला सकते हैं मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया ना स्टेप है आई आई फैब के लिए और बंगाल न फुटबॉल के लिए और हम यहाँ से सीख सकते हैं और इसको अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपका क्या राय है इस पर कि हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इससे कुछ बेटर होगा या होगा या नहीं ये सब के लिए आपका जो कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन दे दीजिए और मेन वाइल साफ टूर्नामेंट जो एक क्लब लेवल पे भी स्टार्ट हो रहा है मुझे नहीं लग रहा है कि इसको इंप्लीमेंट इतने जल्दी कर पाएंगे जो लोग बोल रहे हैं चार साल तो ये लोग बढ़ा रहे हैं 2014 से स्टार्ट हो, हो गया अब दो हो गया दस साल से ये लोग ही लो कर रहे हैं कर ही नहीं पा रहे हैं मैं तो चाहूँगा कि अंडर एटीन या अंडर ट्वेंटी थ्री की हर क्लब की टीम को वहाँ पे खिलाने के लिए भेज दो उससे क्या होगा अंडर ट्वेंटी थ्री प्लेयर को एक नो बाहर के क्लब के साथ यूरोपियन सॉरी एशियन साउथ एशियन क्लब के साथ खेलने का चांस मिलेगा सोचो तो तो इंडियनो ए टी के मोहन बागान या उड़ीसा एफ सी के अंडर ट्वेंटी थ्री वर्सेस नो पाकिस्तान की कोई एक टीम के अंडर ट्वेंटी थ्री की टीम के, के साथ होगा तो अंडर ट्वेंटी थ्री का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ेगी मैं चाहूँगा कि अंडर वन ट्वेंटी थ्री की टीम जो है साफ क्लब में खेले चैंपियनशिप में ये मेरा राय है प्लीज़ अपना ओपिनियन नीचे बता सकते हैं बात हो के आ रही है कि भाई लेबनन होगा जो हमारा एट्थ टीम इन साफ टूर्नामेंट अब साफ टूर्नामेंट में हमारी दावेदारी में एक रोड ब्लॉक आ गया जो लेबनन और भाई लेबनन के साथ हम मजाक मजाक में खेलने वाले हैं पूरा सीजन और दूसरी बात है कि सेविया ने इंडिया के ऊपर एक नो डॉक्यूमेंट्री नो निकाला है और वो बहुत ही शानदार है जाके आप देख सकते हैं और यही है कि लेबनन के बारे में आपका क्या राय है Thank you. Jai Hind.